हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो रही है, बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। दिमाग में फिर वही टेंशन, सुबह उठ के क्या नाश्ता बना के दे बच्चों को, क्या करके दे जो फटाफट हो जाए और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगे खाने में, है होता है ना ऐसा टेंशन। और दूसरी बात, आज मैं कुछ इस टाइप की एक रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। ये देखिए मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, ब्रेड वाला। तो ये जो मैं बनाऊंगी आप लोगों के सामने बनाऊंगी, और विदाउट गैस, विदाउट गैस रेसिपी है ये। आप बच्चों को लंच में दे सकते हो, नाश्ते में दे सकते हो। तो देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए, इसके लिए मैंने खीरा लिया है, खीरा मैंने छील के अच्छे से धो लिया है, प्याज भी मैंने काट के धो लिया है, हरी मिर्च लिया है मैंने थोड़ा सा, अगर आप हरी मिर्च नहीं चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा मेयोनीज लिया है, और ये लिया है मैंने चाट मसाला, ये लिया है काला नमक, और ये लिया है मैंने काली मिर्च। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको ये रेसिपी कैसे बनेगी जल्दी जल्दी से, और बच्चों को इतनी पसंद आती है ये रेसिपी कि पूछिए ही मत। तो जल्दी से मैं बना के आप लोगों को दिखाती हूँ, और फिर मैं आपसे करूँगी आज की मन की बात। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं खीरा काट लेती हूँ, और बारीक बारीक काटना है बिल्कुल। अगर आप नहीं काटना चाहते हैं, आपके पास चॉपर मशीन है तो आप चॉप कर सकते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लूंगी। ये देखिए बिल्कुल बारीक हो गया है, ये मैं काटूंगी अब प्याज। ये देखिए ये बिल्कुल बारीक हो गया, इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ये खीरे को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, अगर आपके पास चॉपर मशीन है तो आप जल्दी से चॉपर मशीन भी कर सकते हैं आराम से। चॉपर मशीन में सारे इकट्ठे सामान डाल के आप उसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब मैं काटूंगी प्याज बिल्कुल एकदम मीही करके। अब मैंने लिया है ये छोटा सा, एक मैंने लिया है शिमला मिर्च, और ये लिया है मैंने हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं इसमें दो ही लूंगी क्योंकि मेरे पास है काली मिर्च। अगर आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपके पास काली मिर्च नहीं है तो आप डालिएगा हरी मिर्च। ठीक है, और लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डालिएगा क्योंकि ये बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है, तो इसलिए लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डालना। ठीक है, आप लोग समझ गए ना मेरी बात को, हेल्दी रेसिपी है तो हेल्दी रेसिपी में लाल मिर्च बिल्कुल यूज नहीं करना है। जितनी हो सके कोशिश कीजिए काली मिर्च यूज करने का, और जितनी कोशिश हो सके हरी मिर्च यूज करने का। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च ये मैं काट रही हूँ, इसमें बिल्कुल बारीक बारीक करके काटना है शिमला मिर्च को, क्योंकि शिमला मिर्च क्या है ना, थोड़ा सा मोटा रह जाएगा तो खाने में गंदा लगेगा। और अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो आप थोड़ा सा बंद गोभी डाल सकते हैं, पर थोड़ा सा ही डालिएगा बंद गोभी भी। ठीक है, ज्यादा नहीं डालना है बंद गोभी भी। ये मेरा, ये मैंने खीरा प्याज और हरी मिर्च और शिमला मिर्च का ये मैंने मिश्रण तैयार कर लिया है, और अब मैं इसमें जो है सारा सामान मैं डालूंगी। ये मैं डालूंगी पहले मेयोनीज, ये देखते रहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है, और हेल्दी रेसिपी खाने में बहुत अच्छा लगता है और शरीर के लिए भी अच्छा होता है। ये मेयोनीज मैंने मिला दिया है इसके अंदर, अच्छे से मिलाना है, मिक्स अच्छे से करना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स करना है मेयोनीज को। मैंने ये पूरा एक चम्मच मेयोनीज इसमें डाल दिया है, आपको जितना अच्छा लगता है आप उतना डाल सकते हैं मेयोनीज। मैं एक चम्मच ही लाई थी, मैंने एक चम्मच सारा डाल दिया इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा। और अब मैं डालूंगी इसमें काला नमक, क्योंकि जब तक काला नमक नहीं पड़ेगा किसी भी हेल्दी चीज में टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए काला मिर्च बहुत जरूरी है। और ये मैं डालूंगी चाट मसाला, ठीक है, और अब मैं डालूंगी काली मिर्च। काली मिर्च ज्यादा नहीं डाला क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाल रखा है तो मिर्ची ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला है।
देखिए मिक्स हो गया ना, ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब मैं इससे बनाऊंगी सैंडविच। आपने कभी बाहर वेजिटेबल वाला सैंडविच खाया है इस टाइप से, जो इस टाइप से होता है, ये विदाउट कुक होता है, इसमें कोई झमेला नहीं। और अगर थोड़ा सा बटर डाल सकते हो तो बटर भी डाल दीजिएगा इसमें, अगर आपको मन करे तो। ऊपर से अगर आपको लगता है कि बटर डाल देते हैं, चीज डाल देते हैं, चीज भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। देखिए मेरे तो मुंह में पानी आने लग गया है, बहुत अच्छा लगता है ये ऐसे खाने में, बहुत ही बढ़िया लगता है, हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। और इस टाइप से मैंने इसको डाल दिया है, सारी सब्जियों को अच्छे से डालना है, बिल्कुल एकदम प्रॉपर। सब्जी जितना खाएंगे उतना अच्छा है, सब्जी कम खाएंगे, कम डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मियानोस भी थोड़ा सा और ऊपर से डाल दिया है मैंने, और अब मैं इसे कर दूंगी बंद अच्छे से पंच करके, दबा दबा के इस टाइप से, ठीक है फ्रेंड्स। और अब इसके करूंगी पीसेस, क्योंकि जब तक इसमें सजावट नहीं लाऊंगी तो आपको अच्छा कैसे लगेगा देखने में, बताइए। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, और खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। एक बार खा के देखिए कितना बढ़िया लगता है ये खाने में। ये मेरा सामान बच गया है, इसे मैं और भी बना लूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैं साइड करती हूँ और आपसे करती हूँ आज मन की बात। और खा के देखोगे या मैं खा के देखूँ कैसा लग रहा है? मैं खा के थोड़ा सा देख लेती हूँ कैसा लग रहा है, झूठा नहीं करूंगी। एक बार आप भी ट्राई करके देखिए, बहुत बढ़िया लग रहा है। खाऊंगी, आराम से खाऊंगी, पहले मैं आपसे वीडियो कंप्लीट कर लूं उसके बाद। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं आपको मन की बात भी बताई देती हूँ। मेरी मन की बात ये है फ्रेंड्स, अगर जीवन में हमने कुछ ठाना है ना करने का, अगर हमने कुछ सोचा है तो हम कर सकते हैं आराम से। आज इसी चीज के ऊपर मैं आपको एक मन की बात बताती हूँ, अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। पहले दो बच्चे थे, एक बच्चा था गांव में 10 साल का और एक बच्चा था 7 साल का। दोनों बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड थे, आपस में खेलते कूदते रहते थे, साथ साथ रहते थे, साथ साथ सोना, साथ साथ खाना पीना, उन लोगों का साथ साथ ही रहता था सब कुछ। दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, तो खेलते खेलते कभी वो लोग ना किनारे पे पहुंच गए, जहां पे बहुत दूर गांव से बाहर एक कुआं था, कुएं के पास पहुंच गए। तो वो जो 10 साल का जो लड़का था वो खेलते खेलते कुएं में गिर गया, और जो 7 साल का बच्चा था अब वो घबरा गया कि वो कुएं में गिर गया। वो चिल्ला रहा है खूब तेज, मदद के लिए बुला रहा है। अब आसपास तो कोई है नहीं, क्योंकि गांव से बहुत दूर था, सुनसान जगह में था वो कुआं। अब वो बेचारा क्या करेगा, उसके अंदर एक बेचैनी सी होगी कि वो किसी तरह से उसको बचाएगा। वहां पे उसने देखा रस्सी में बाल्टी है, रस्सी टंगी हुई थी और बाल्टी थी। तो उसने क्या किया, बाल्टी को उसके अंदर डाला नाव, मतलब कुएं के अंदर, कि वो लड़का किसी तरह से बच के आ जाए बाहर। और उसने क्या किया, जितनी भी अपनी ताकत थी, जो 7 साल का लड़का था, कोशिश कर कुरा के उसने खींच तान के रस्सी को, उस लड़के ने पकड़ लिया था बाल्टी और रस्सी को अच्छे से, खींच तान के किसी भी तरह से उसने, फिर भी वो आसपास देख रहा था अगर कोई बचाने के लिए आता तो, पर कोई भी नहीं नजर आया उसको, लड़के को, 7 साल के बच्चे को। उसने किसी तरह से खींच तान के उस अपने दोस्त को उसने बचाया। बचाने के बाद अब दोनों ना घबराए हुए थे कि गांव जाके ये किस्सा सुनाएंगे तो लोग उन बच्चों को मारेंगे कि तुम लोग कुएं के पास क्यों गए हो। तो दोनों आए भागते हुए, आके गांव वालों को उन्होंने सारी किस्सा बताया, किसी तरह से घबराते हुए इस लड़के ने, 10 साल के लड़के ने कहानी बताया। तो लोगों, जो गांव के लोग थे ना, उन्होंने किसी ने माना ही नहीं इस बात को, किसी ने नहीं माना है कि वो 10 साल का लड़का, वो 7 साल का लड़का, उसको उसने कैसे बचाया। 7 साल के लड़के ने 10 साल के लड़के को कैसे बचाया, उसका वजन उससे ज्यादा भारी है, उसने कैसे बचाया, चल झूठी कहानी सुना रहा है, इस टाइप से उसको बोल के नकार दिया। पर वहां था एक समझदार बुड्ढा, जो बुजुर्ग इंसान था, एक बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग इंसान एक था, जो इन सब बातों को वो सुन रहा था, और उसने इस बातों को माना। उसने कहा नहीं, ऐसा हो सकता है, बोल के वो वहां से उठ के चला गया।
तो गांव वाले ना उसको भी पागल बोलने लग गए उस बुजुर्ग को, अरे ये पागल है, ऐसा कभी हो सकता है। तो जब गांव वालों के दिमाग में शंका आई ना, तो जाके उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, ऐसा हो सकता है क्या, 7 साल का बच्चा 10 साल को बचा सकता है क्या? उसने कहा, जब मन में ठान लो ना आप कुछ करने का, तो वो ना तो उम्र देखता है, ना अपनी ताकत को देखता है, ना कुछ, वो अपनी सारी क्षमता लगा देता है और जो चीज वो चाहेगा वो कर सकता है। उस बुजुर्ग आदमी ने इस तरह से समझाया कि अगर आपके मन में इच्छा हो ना, अगर आप चाहो ना, तो आप उस काम को कर सकते हो। आप अपने उम्र को नहीं देखोगे, आप अपनी एज को नहीं देखोगे, आप अपने शरीर की ताकत को भी नहीं देखोगे, आपके शरीर में कितनी ताकत है। अगर उसके मन में इच्छा हो ना, क्योंकि वो उसका दोस्त है, उसका वो जिगरी दोस्त है, वो उसे मरने नहीं दे सकता था, उसने किसी भी तरह से उसको बचाया। तो ये बात बुजुर्ग की, जो आदमी की ये बात जो है सुनी गांव वालों ने, और फिर जाके इस बात को माना कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही है कहानी का लेसन कि अगर आप कुछ चीज ठान लो तो आप जिंदगी में वो चीज कर सकते हो, नहीं नहीं कर सकते हो। अगर आपने मुंह से बोला तो आप नहीं कर सकते हो, मन में अगर आपने ठाना तो वो चीज आप कर सकते हो। तो यही है मेरा कहानी का लेसन। आपको मेरे लेसन ये कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय, और अपने सेहत का ध्यान रखिएगा। जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।